क्या आप अपने नन्हे मुन्नों की चमत्कारी यात्रा देखने का इंतजार कर रहे हैं? अल्ट्रासाउंड के माध्यम से अपने बच्चे को पहली बार देखने की खुशी का अनुभव करने और उनकी छोटी छोटी किक और हरकतों की उत्तेजना को महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए, आइए गहराई से जानें। गर्भावस्था के 17वें सप्ताह के दौरान बच्चा वसा जमा करना शुरू कर देता है, जो जन्म के बाद ऊर्जा और इंसुलेशन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त बच्चे की त्वचा पर वर्निक्स दिखाई देता है। यह एक सुरक्षात्मक और जलरोधक कोटिंग है, जो मोम या ग्रीस जैसा दिखता है। 18वें सप्ताह में कई भावी माता पिता के लिए पहला अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे उन्हें अपने बच्चे को देखने का अवसर मिलता है। इस स्तर पर बच्चा पूरे दिन सोता और जागता है और तेज आवाज या हलचल से जाग सकता है। बच्चे की त्वचा लैनुगो से ढकी होती है, मुलायम और महीन बाल जो गर्भ में गर्माहट बनाए रखने में मदद करते हैं। 19वें सप्ताह के दौरान बच्चे की हरकतें मजबूत हो जाती हैं और माता पिता बच्चे को लात मारते और इधर उधर घूमते हुए महसूस कर सकते हैं। बच्चा चूसना भी सीखता है, जो जन्म के बाद दूध पिलाने के लिए जरूरी है। 20वें सप्ताह तक बच्चे के नाखून उनकी उंगलियों के सिरे तक बढ़ जाते हैं। इस समय बच्चा लगभग 10 इंच लंबा होता है और उसका वजन लगभग 1 पाउंड होता है। हमारे अगले एपिसोड के लिए बने रहें, जहां हम गर्भावस्था के 21 से 24 सप्ताह के बारे में जानेंगे, जिसमें बच्चे की विकासशील इंद्रियां भी शामिल होंगी। अपने नन्हे मुन्नों की यात्रा न चूकें।